नमस्कार दोस्तों, मैं पीएस सिरोंशी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरी कक्षा सातवीं में। तो दोस्तों, हमने हमारी पिछली तासिका में दादी माँ का परिवार इस पाठ को या कहानी को शुरू किया था। हमने देखा था कि यूँ तो दादी माँ अकेली थी, लेकिन अकेली रहकर भी वो अकेली नहीं थी। उसकी जो दोस्त थी, सहेलियां थी, नीलू और चिंकी, इन दोनों के साथ रहकर वो अपनी जिंदगी को बड़े आराम से सुख और आनंद के साथ व्यतीत कर रही थी। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया। चिंकी और चुईया दोनों ने दो दो बेटे के उपहार प्राप्त किए। दादी माँ की खुशी और दुगनी हो गई। दादी माँ के दिन बड़े आनंद और खुशी के साथ उन सभी के बीच में गुजर रहे थे। दादी माँ बच्चों को संभालती, दुलारती, अगर वे रोते तो उन्हें पुचकार कर शांत कराने का काम किया करती थी। इस तरीके से दादी माँ अकेली होते हुए भी अकेली नहीं थी। एक बार ऐसे हुआ कि जो नीलू चिड़िया है, नीलू चिड़िया दाना चुगने के लिए अपने साथियों के साथ गई थी। वो अकेली नहीं तो टीनू और मीनू को भी साथ में लेकर गई थी। उन्हीं चिड़े और चिड़ियों के बीच में मुनमुन जो थी, उसे याद आया कि उसे अपनी सास के पास जाना है, क्योंकि मुनमुन की सास उसके घर या उसके घोंसले पर आने वाली थी। लेकिन घोंसले में किसी को न देखकर सासू माँ वापस चली जाएगी, इसी डर के मारे नीलू सबसे टाटा बाय बाय कहकर वहां से निकलने का प्रयास करती है। लेकिन जैसे ही वो उड़ने का प्रयास करती है, वो उड़ नहीं पाती है, वो किसी जाल में अटक जाती है। जब वो चिल्लाती है तो उसकी चिल्लाने की आवाज टीनू, मीनू, नीलू और आसपास के सारे चिड़े चिड़िया सुनते हैं। वे भी अपने आप को आजाद कराने का प्रयास करते हैं, लेकिन उस जाल की वजह से वे बाहर नहीं आ पाते हैं या अपने आप को आजाद नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक हम लोगों का हुआ था। तो यहाँ पर सभी को परेशान देखकर टीनू मीनू ने कहा कि अरे, हमें ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा डरने या घबराने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर हम सब एकता के साथ सोचेंगे या एकता से काम लेंगे तो हम इस जाल से जरूर निकल पाएंगे। जो तुम मुनमुन थी और तुलककर बोली, अरे हम तो एक है, हम में एकता है, हम यहाँ पर किसी बात को लेकर लड़ नहीं रहे, झगड़ नहीं रहे है, तो इस जाल से बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उस काम में हम सफल नहीं हो रहे है। अब उस पर जो टीनू है, टीनू बोलता है कि क्या बस इतनी सी बात को लेकर घबरा गई, इतनी सी बात को लेकर डर गई, हम जरूर जीत जाएंगे अगर हम एकता की ताकत दिखाएंगे, एकता की शक्ति हम दिखाएंगे। उसकी बात सुनने के बाद जो मुनमुन है, मुनमुन बोली कि अरे एकता, एकता क्या लगा कर रखा है, तुम्हारे मन में क्या बात है, तुम्हारे दिमाग में कौन सी आइडिया है, क्या बात तुम करना चाहते हो, वो सारी बातें तुम हमें बताओ ताकि हमको भी उसके बारे में पता चल सके। अकल का पत्ता खोलना यानी आपने जो सोचा है या जो तरकीब है उस तरकीब को स्पष्ट करना। अब जो टीनू है, टीनू ने सबको अपने आइडिया या अपनी जो युक्ति थी, जो योजना उसने बनाई थी, वो योजना सुनाई और वो उस योजना को, उस बात को सुनकर सबको बड़ी प्रसन्नता हुई, सबको बड़ा आनंद हुआ, सबने वैसा ही करने का सोचा। उसमें थी सबकी भलाई। टीनू बोली, मीनू कहेगी एक दो तीन चार उन्ने को रहेंगे तैयार, हम एक साथ उड़ पड़ेंगे, एक दिशा में ही चलेंगे। तो जो योजना थी उस योजना के हिसाब से सारे लोग कुछ, तो जो योजना बनाई थी उस योजना के हिसाब से जब जो टीनू है, टीनू जब बोलेगी एक दो तीन चार, तो सभी पंछी जो है या सभी जो चिड़िया है उन्हें उड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा, एक साथ एक ही दिशा में वे उड़ेंगे ताकि वे एक साथ उड़ सके। सब हो गए होशियार, उड़ने को थे वे तैयार। मीनू बोली एक दो तीन चार, उड़ चले सब पंख पसार, जाल सहित वो उड़ लिए। अब सारे चिड़ी चिड़िया होशियार हो गए, वो तैयार हो गए, वे सोचते रहे कि कब टीनू मीनू एक दो तीन चार बोलेगी और कब उड़ेंगे। जैसे ही मीनू ने एक दो तीन चार बोले, सारे जो चिड़े चिड़िया थी उन्होंने पंख पसारे और पंख पसार कर एक ही दिशा में उड़ने का प्रयास किया, और इसका यह फल मिला कि सारे जो चिड़िया थे उस जाल को लेकर आकाश में उड़ने लगे, आकाश की ओर उड़ने लगे।
मन में आशा और विश्वास लिए गजब एकता थी उनमें उमंग लोरे ले रहे थे मन में। जब वे जाल को लेकर उड़ने लगे तो उनके मन में जो अपने बच्चों की मिलने की जो आस थी वो आस फिर से एक बार जन्म ले चुकी थी या एक बार फिर से उनके मन में वो आस जागृत हो चुकी थी। अब वे एकता के साथ और बड़ी खुशी के साथ उस जाल के साथ उड़ रहे थे। उनके अंदर आनंद और खुशी आसानी से देखी जा सकती थी। बहेलिया ठगासा रह गया। ठगासा रहना चकित रहना आश्चर्यचकित होना। जब बहेली ने इस दृश्य को देखा कि जो पंछी जाल को अपने साथ लेकर उड़ रहे हैं, तो इस दृश्य को देखकर वो चकित रह गया। वो कुछ भी नहीं कर पाया। सोच रहा था पंछियों ने यह किया क्या करता वो बेचारा। तो उसके हाथ में कुछ नहीं बचा था। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि पंछी जाल को लेकर आसमान में उड़ चुके थे और उन्हें पकड़ना उसके लिए ना के बराबर था। चिड़े चिड़िया तनिक न संकुचे सीधे दादी माँ के घर पहुंचे। चिंतित दादी बेटी मुंह लटकाए बुरे विचार मन में आए। चिंकी के आंखों में आंसू थे। अब चिड़े और चिड़िया बिना संकोच के बिना हिचकिचाहट बिना किसी बात को सोचे सीधे जाके दादी माँ के आंगन में जाकर उतरे। वहां पर जो दादी माँ थी दादी माँ बड़ी चिंतित थी बड़ी दुखी थी। वह तीनू मीनू और नीलू की राह देख रही थी। इतने समय तक वो कभी बाहर नहीं रहती थी। इस बात को लेकर दादी माँ बड़ी चिंतित थी बड़ी घबराई हुई थी। जो चिंकी थी चिंकी के आंखों में भी आंसू थे मानो उसे भी अपनी सहेली की याद आ रही थी और उसकी याद में उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। उदास हो रहे थे चुस्कू मुस्कू थे दादी माँ का चक्का शान सबका मन हो रहा था क्लान। चुस्कू मुस्कू भी अपने दोस्त टीनू मुनू को याद कर उदास बैठे थे। खेल में उनका जी नहीं लग रहा था। दादी माँ दिन भर कुछ काम नहीं कर पा रही थी। उनका दिन भर चलने वाला जो चरखा था वो चरखा आज शांत था। वे चारों के चारों चिंकी चुस्कू मुस्कू और दादी बड़े ही क्लांत थे बड़े ही दुखी थे बड़े ही निराश हो चुके थे। अचानक कलरव हुआ आंगन में। सबने देखा आनंद फानंद में। कलरव का मतलब बताए चिड़ियों की आवाज। अचानक आंगन में उन्हें चिड़ियों की चिचिहाने की आवाज आने लगी। उस आवाज को सुनकर आनंद फानंद मतलब तत्काल तभी तो उसे वक्त दादी और चिंकी और चुस्कू मुस्कू बाहर आकर देखने लगे कि ये चिड़ियों की आवाज कहाँ से आ रही है यहाँ पर कौन आया हुआ है। चिचिया रहे थे पक्षी सारे उनमें थे टीनू मीनू प्यारे प्यारे। अब उस आंगन में जो चिड़िया थी वो चिड़िया चिचिहा रही थी आवाज कर रही थी उनमें ही नीलू टीनू और मीनू भी थे। विचित्र हाल उनका देखा अनेक थे पर था उनमें एका। एक साथ आंगन में उतरे मानो वे मित्र हो गहरे। उनका हाल बड़ा ही विचित्र हो गया था। वे अपने पंख फड़फड़ाने की वजह से उनके पंखों के कई सारे जो पर थे वो निकल चुके थे। उनका हाल बेहाल हो गया था वो थके हुए थे अब लेकिन इतनी थकान के बाद भी उनके अंदर एकता गजब की थी मानो वे बहुत गहरे दोस्त हो गहरे मित्र हो ऐसा उन्हें देखने के बाद लग रहा था। चिंकी उधर पहुंची दादी माँ ने भी गर्दन उठाई। खटिया पर बैठी थी वह बोली देख उन्हें वह बोली बहुत देर से आई हो नीलू आज खैरियत तो है क्या हुआ था काज। अब चिंकी भागकर आंगन में आई। दादी माँ जो थी दादी माँ खटिया यानी चारपाई पर बैठी हुई थी। उसने गर्दन ऊपर उठाकर देखा तो उसे सामने उन चिड़ियों के बीच में नीलू और उसके दोनों बच्चे भी नजर आए। उन्हें देखते ही दादी माँ ने पूछा कि अरे भाई आज तुम लोगों ने इतनी देर क्यों लगा दी ऐसा क्या काम आ पड़ा था। नीलू ने हाल सुनाया दादी माँ को सब बताया। यो पहुंची पंछियों की टोली। दादी माँ हंसी और बोली टीनू मुनू है समझदार तभी तो किया खबरदार। अब जो दादी माँ है दादी माँ के पूछने पर जो नीलू ने सारा हाल सुनाई सारी बात सुनाई। तब दादी माँ बोली कि अरे मेरे टीनू मुनू है ही इतने समझदार उन्हीं की समझदारी की वजह से और उन्हीं की सूझबूझ की वजह से तुम सब लोगों की जान बच पाई है और तुम यहाँ तक आ पाए हो। सच है जान हमारी बच्ची पर अब भी है जाल में फंसी तनिक हमें संभालो इससे बाहर निकालो। तो पंछियों ने कहा चिड़ियों ने कहा कि हाँ आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है लेकिन अब भी हम जाल में फंसे हुए हैं आप हमें जाल से निकालिए ताकि हम पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाए। दादी माँ तब मुस्कुराई और राज की बात उन्हें सुनाई और उंगली उठाकर दादी माँ बोली काम करेगी एकता की गोली। आगे दादी माँ बोलेगी अभी भी एकता की ही गोली काम करेगी अभी भी एकता से तुम्हें काम लेना होगा। बच्चों शक्ति उसमें ही में शक्ति है उसी में युक्ति है।
आगे वह बोली कि जाल से मुक्त कर, अगर आप जाल से मुक्त होना चाहते हो तो एकता जो है एकता ही आपको जाल से मुक्त कराएगी। नीलू ने मीठे आवाज में मीठे स्वर में दादी से पूछा या दादी से कहा कि हम एक है पर क्या करें, बच जाए कुछ ऐसा जतन करें। तो नीलू ने कहा कि हम एक है, हम जुदा नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं है, हमें कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन इस जाल से निकले इसका कोई योजना बताइए, इसके लिए कुछ कीजिए, इसके लिए कुछ कीजिए। दादी माँ ने समझाया और फिर से एकता का पाठ पढ़ाया। वह बोली कि एकता सिर्फ पंछियों के बीच में नहीं होनी चाहिए तो औरों के बीच में भी एकता होनी चाहिए, ऐसा उसने कहा। यह बात सदैव ध्यान में रखते कि एक और एक 11 होते। तो दादी माँ ने कहा कि इस बात को हमेशा के लिए ध्यान में रखो कि एक और एक। तो दादी माँ ने उन्हें समझाया कि एक और एक 11 होता है, एक और एक 11 होने का मतलब होता है एकता का बल। अगर एकता आपके अंदर होगी तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, आपको कोई भी परास्त नहीं कर सकता है। चिंकी से तनिक याचना करो, वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काटकर बाहर लाएगी। अब दादी ने कहा कि तुम चिंकी से कहो, चिंकी ही तुम्हें इस जाल से बाहर निकालने का काम करेगी। तीनू मीनू ने कहा हम आजाद हो रहे हैं मौसी, चुस्कू मुस्कू को बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। यही बात नीलू ने कही, भेद किया किसी ने नहीं, बात चिंकी के मन को भाई, दौड़ भाग कर झटपट आई। दादी यो बोली, मिलकर रहो हम जोली, एक रहोगे तुम सब हार नहीं मिलेगी। तो दादी की बात सुनने के बाद जो नीलू ने चिंकी से याचना की, चिंकी से प्रार्थना की और चिंकी के मन को भी यह बात भाई और चिंकी ने दौड़ लगाई और वो उनके पास आंगन में आई। चुस्कू मुस्कू को भी बुलाने के लिए टीनू मुनू ने कहा। चिंकी गई जाल के पास, चुस्कू मुस्कू भी थे आसपास, पहले दांतों से जाल काटा, आजाद हुए सब तत्काल। तो जो चुहिया चुहिया ने अपने पहले दांतों से उस जाल को काटा और सभी को आजाद कराने का काम किया। चिड़िए और चिड़िया चिचियाने लगी खुशी के साथ, अब मतलब वो गा रहे थे। टीनू मीनू और चिस्कू मुस्कू एक साथ खेलने लगे, मानो उनके साथ कुछ हुआ ही नहीं, सब प्रेम और प्यार से पंगे हुए थे। दादी माँ की सीख जो थी वो सीख रंग लाई, सबको एकता की सीख उसने दी। अब सबने आखिर में एक साथ कहा अंत भला तो सब भला। तो दादी माँ इस पाठ में लेखक ने दादी माँ और उसके साथियों के सहायता से हम लोगों को एकता की ताकत या एकता का महत्व समझाने का प्रयास किया है।